Hello, my name is Amarjot Singh. I'm talking to Manish Srivastava in New Delhi. Manish is an immigration consultant for many years. I've been in touch with him for close to about 8-9 years, maybe more years. And Manish does immigration to many countries, including Canada. So Manish, let's talk about what the situation is happening in Delhi in immigration. Manish, welcome to the chat here. Yes, sir. Good morning. It's your morning here, and it's 11 p.m. in India right now. Yeah, the cases here in India are increasing, day by day increasing. It's 7 lakhs plus right now, as compared to your country. Canada mein toh bahut hi kam cases hai right now. Yeah. It's the second largest country in the world, and the cases are just 200 cases. In Delhi, local, you can get these number of cases in local over here in Delhi. So people now are looking for other options, how to migrate, and how to see the other options to migrate to either to Canada, Australia, or New Zealand, either in study visa or business visa, industry visa or express entry or PNP, any way out. Because if you compare the Indian economic response with the Canadian economic response. Before we start a discussion, I want to let people know, okay, Manish ka office hai New Delhi mein. सेक्टर 62 नोएडा में एक्चुअली और इनका इसके अलावा ऑफिस दिल्ली में एक ऑफिस है तिलक नगर में पुणे में भी है मुंबई में भी है जिसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो मनीष से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से उनसे मिल सकते हैं बाकी मनीष से मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि उनके केस मैं करता हूँ या उनसे मेरे को कोई कमीशन मिलती है कुछ ऐसा कुछ चक्कर नहीं है कि मनीष कैसा तो नहीं कुछ हमारा कोई हमारे हमारी कोई ऐसी कोई फाइनेंशियल हमारा कोई मेरा कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है कि आपने अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप मनीष के पास जाएंगे उनसे केस कराएंगे तो मेरे को कोई कमीशन मिलेगी पैसे मिलेंगे मेरा कोई फाइनेंशियल डीलिंग नहीं है मैं तो जनरली एज अ प्रोफेशनल बेस पे मैं लोगों से बात करता हूं और मनीष मेरे साथ जुड़े थे काफ़ी सालों से तो हम लोग इस बारे में थोड़ा सा कोरोना वायरस के हवाले से जो आजकल चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे तो मनीष काफ़ी लोग उतावले हैं बाहर निकलने को क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है कोरोना वायरस खराब है पॉलिटिकल सिचुएशन वो ये जो चाइना का जो चक्कर चल रहा है उसके हिसाब से लोग नर्वस तो नहीं चाइना आना कोई वहां गलवान वैली से आ गया कुछ हो गया पॉलिटिकल प्रॉब्लम है क्या है उसके हिसाब से वहां क्या सिचुएशन है इंडियन सोल्जर्स आर टेकिंग केयर ऑफ दैट बॉर्डर्स बॉर्डर इंडियन बॉर्डर इज वेरी सेफ वी आर प्राउड ऑफ इंडियन नेशन इंडियन सोल्जर्स आर कंट्री आर गवर्नमेंट दैट इज फाइन बट इंडिया में जो इंटरनली चल रहा है जो हमारा इकोनॉमिक रिस्पॉन्स है द बिजनेस आर स्लैटर्ड बिजनेस खत्म हो चुके हैं लोगों के जॉब्स नहीं है लोगों के पास तो पीपल आर नाउ थिंकिंग ऑफ समथिंग बेटर सम बेटर ऑप्शन ये मैंने जस्ट एग्जांपल बने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की हैं इफ यू सी द कैनेडियन इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट विच इज कॉल्ड CERB तो CERB में कैनेडियन गवर्नमेंट इज पेइंग $2,000 एवरी 4 वीक्स अप टिल 24 वीक्स आई एम करेक्ट बिल्कुल सही है दे रहे हैं लोग बिल्कुल सही आपका और ये सबको मिलता है चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो फैमिली हो चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो फार्मर कैटेगरी में हो एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस अमाउंट बट इन इंडिया यू कांट अप्रोच द मासिव द पॉपुलेशन इज वेरी हाई सो यू कांट अप्रोच दिस काइंड ऑफ अमाउंट टू गेटिंग फॉर एवरीबॉडी इन द कंट्री सो डेफिनेटली पीपल इवन आई हैव सीन द इंक्रीज इन चाइल्ड केयर बेनिफिट जो चाइल्ड केयर बेनिफिट मिलता था वहां पे CCB दैट हैज इंक्रीज टू $300 तो गवर्नमेंट वहां पे रेज कर रही है फंड्स को गवर्नमेंट ऑफ हेल्पिंग द पीपल ओवर देयर हमारे इंडिया में गवर्नमेंट फंड कर तो रही है बट वी कांट गेट दैट मच ऑफ अ सपोर्ट बिकॉज़ ऑफ द पॉपुलेशन साइज दैट्स द मेन रीजन मेरे को मानना पड़ेगा कि आप नोएडा में बैठे बैठे कनाडा के बारे में काफी रिसर्च करते हैं काफी न्यूज पढ़ते हैं कनाडा के बारे में यस सर यस यस ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज हमें क्लाइंट को बताना होता है कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ओल्ड एज सिक्योरिटी में कैसे मिल रहा है टैक्सेशन में कैसे रिबेट मिल रही है इनकम सप्लीमेंट्री अलाउंसेस कैसे मिल रहे हैं तो ऑल दीज अलाउंसेस आर मेनी अलाउंसेस आर देयर बच्चे जो नए आ रहे हैं स्टूडेंट लोन बोरोअर जिन्होंने लोन लिया है उनका लोन कैसे वो माफ कर रही है गवर्नमेंट तो ये सारी चीजें उनको बतानी पड़ती हैं हम लोग ये यू शुड बी अपडेटेड ऑन द थिंग्स आप ये बताएं कि 2020 में अभी 6 महीने हो चुके हैं 7वां महीना चल रहा है जुलाई का अभी तक आपने कितने एक्सप्रेस एंट्री फाइल्स अभी तक अपने लॉन्च करी हैं इन द ईयर ऑफ 2020 इट्स मोर देन अबाउट 200 केसेस हो गए हैं अभी तक तो 200 केसेस में किए थे बट पीएनपीज का तो इट्स रैंडम पीएनपी टू बी वेरी फेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट पीएनपी तो रैंडम होता है वी कैन गारंटी समबडी की आपको पीएनपी लगा दिया मैंने और 380 का उसका स्कोर बन रहा है तो 600 नंबर आपको मिलने वाले हैं इट्स रैंडम
टेक ड्रो तो है, ओंटारियो का टेक ड्रो है, तो टेक ड्रो में तो आपको नंबर मिल जाएंगे 600, बट इट्स नॉट गारंटी कि आपको ब्रिटिश कोलंबिया से, सास्कैचुआन से, नोवा स्कोशिया से आपकी इनवाइट आने वाली है. तो नाउ द सेकंड ड्रो बचा है वो है सीईसी, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास. तो या तो बच्चा वहाँ पढ़ने जाए, पहले पढ़ाई करके आएगा, पढ़ाई करने के बाद 2021 की बात करेंगे ना, फिर 2021 में ही विल बी एलिजिबल, नॉट राइट नाउ. तीसरा आता है फेडरल स्किल्ड वर्कर FSW में जो एक्सप्रेस एंट्री है, दैट ड्रॉ इज गोइंग एट 470. जो कल रात में ड्रॉ आया है वो 478 आया है. सो 478 ड्रॉ रीच करने के लिए पीपल शुड बी मास्टर्स डिग्री और PhD, 30 की एज होनी चाहिए, CLB 9, और ये PhD के बाद तभी इनका स्कोर बन पाएगा 478. अदरवाइज नॉट. तो पीपल आर एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन की या तो मैं एक्सप्रेस एंट्री में जाऊँ. If somebody is coming to me, my approach is कि अगर उसने पैसे दिए हैं, फीस दी है, तो he should be delivered with a visa grant, चाहे वो visitor visa हो या Canada का my operator, जो operator visa होता है investment करने के लिए, business buy करने के लिए वाला category हो, any category it is, या वो study visa हो, they should be delivered for what they are paying to us. So we have to give them options. So I am approaching you because you are a registered immigration advisor from a very long time. And you are associated with me from a very long time. So I just want to guidance from you, from your side, कि उन लोगों को क्या एडवाइस दी जाए, वो कैसे इसको अप्रोच किया जाए कि we can give a right advice to them. हम बात करते हैं उसके बारे में भी. पहले आप बताएं कि जो एक्सप्रेस एंट्री के जिनके नंबर आ गए और अभी तो वहाँ पर बायोमेट्रिक बंद है, VFS बंद है, पासपोर्ट वगैरह सब बंद है, तो उनके जो रिक्वायरमेंट्स करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे पूरा करेंगे आप? मार्च तक था, 60 डेज का टाइम था मार्च तक का. उसके बाद द गवर्नमेंट चेंज द लॉ एंड दे सेड 90 डेज का टाइम मिला है. तो 90 डेज में उनकी फाइल एप्लीकेशन लॉज हो चुकी है. फ्रॉम मार्च 4th टू टिल लास्ट नाइट देयर वाज नो ड्रॉ FSW, देयर वाज नो ड्रॉ बिकॉज दे डिडंट गिव द ड्रॉ बिकॉज वो 90 डेज का कट ऑफ मीट ही नहीं कर पाएंगे, ना बायोमेट्रिक, ना पुलिस क्लियरेंस, ना मेडिकल. सो द लास्ट ड्रॉ व्हिच वाज स्टार्टेड व्हिच वाज यस्टरडे ओनली. So Delhi has started with the biometric. Delhi mein biometric ka khulne wala hai, even medicals and even the police clearance. Passport office khul gaya hai yahan pe. Immigration ki website pe na, jo IRCC ki website pe agar aap padhe jaake, kyunki main express entry ke cases main zyada to abhi lagata nahi kyunki mere paas spouse cases zyada hain is waqt, lekin agar aap padhe to unme saaf saaf likha hai ki agar aapke biometric band hain ya jo bhi kuch band hai, jo VFS wala jo bhi kuch band hai, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको एक्स्ट्रा 90 डेज देंगे हम. मतलब के बगैर किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के आप मान के चलो कि यू हैव एक्स्ट्रा 90 डेज टू कंप्लीट. और अगर तब तक कोरोना वायरस नहीं हुआ ठीक है तो एक्स्ट्रा 90 डेज. सो किसी की भी एप्लीकेशन, जो आपने शायद पहले भी सवाल पूछा था, किसी की भी एप्लीकेशन अगर बायोमेट्रिक के, मेडिकल के, इस तरह के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मैंडेटोरी रिक्वायरमेंट्स है, उस करके कोरोना वायरस करके जो हुआ है, इस कारण करके रिफ्यूज नहीं होगी, तो इस बारे में आप निश्चिंत रहें. ओके, एक्स्ट्रा 90 डेज आपको मिले. जो दूसरा आपने सवाल पूछा था कि जिन लोगों के एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, जैसे आपने एग्जांपल अच्छा दिया, हाई इंग्लिश, हाई एजुकेशन और यंग, और वो अच्छा एग्जांपल दिया आपने, जिनकी अगर एलिजिबिलिटी नहीं बनती है तो वो क्या करें, इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि क्या करूं, क्योंकि आई एम श्योर कि कनाडा को सबको जो क्रीम है वो चाहिए, लेकिन एवरीबॉडी कैन नॉट क्वालिफाई फॉर कनाडा. या तो लोग इकोनॉमिक इमिग्रेशन में जाएंगे जो एक्सप्रेस एंट्री है, या किसी को वर्क परमिट मिलेगा वो है इकोनॉमिक इमिग्रेशन है, PNP है. दूसरा इकोनॉमिक इमिग्रेशन में वो है कि बिजनेस इमिग्रेशन, और ऑफकोर्स इकोनॉमिक के अलावा होता है फैमिली इमिग्रेशन, तो उसको हम बात नहीं करेंगे अभी. तो बिजनेस इमिग्रेशन में तो वही चक्कर है कि अगर आपके पास पैसा है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपको बिजनेस खरीदना है, क्या करना है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रोविंस में जाना पड़ेगा. बहुत सारे जो इंडियन लोग हैं जो वैंकूवर वाला एरिया BC को पसंद करते हैं, वहाँ अच्छा मौसम है, वहाँ पहले से आबादी बहुत है लोगों की, तो वहाँ पर लेकिन महंगा एरिया है थोड़ा सा. आपको $2-3 लाख में चार, मतलब कि आई डोंट नो कि आप क्या कौन सा बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे रीजनेबली जो प्रॉफिटेबल भी हो जाए. तो उसके लिए आपको जो भी आपको रिसर्च करनी है किसी भी क्लाइंट को, उसको एक बार पहले वैंकूवर द्वारा जाके देखना पड़ेगा. मैं समझता हूँ कि अगर कोई कंसल्टेंट वहीं से बैठे बैठे उसकी फाइल लगा देगा दिल्ली से ही, तो वो शायद एक गलत निशाने पे शायद लग सकती है, या उसकी एक उसकी जो क्लाइंट को एक नॉलेज कैसे होगी कि वहाँ जाके हमें करना क्या है, वहाँ का टैक्स सिस्टम नहीं पता, वहाँ का जो पेरोल सिस्टम नहीं पता, वहाँ का जो बिजनेस मार्केट में जो क्या ऑपरेट करते हैं वो नहीं पता. तो
मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ कि जिसका एक्सप्रेस एंट्री नहीं होता है और जिसके पास एक्सपीरियंस है बिजनेस ओनरशिप का, मतलब उसके पास या ऐसा मैनेजरियल एक्सपीरियंस और ओनरशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए, आई वुड से करेक्ट एटलीस्ट फॉर फ्यू इयर्स, इफ नॉट 3 साल 5 साल तो इतना रीजनेबली होना चाहिए, और उस पर जाके पहले घूम के आए और देखे और फिर डिसाइड करे कि हमें करना नहीं करना। और आई थिंक दैट एंटरप्रेन्योर इज जो कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी विजिट, एक्सप्लोरेटरी विजिट एक्सप्लोर करके जाएगा या यू आर पूरा राइट एक्सप्लोर करेगा, एक्सप्लोरेट पूरा यस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेगा कि कौन सा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस प्लान देगा, बिजनेस प्लान का अप्रूव कराएंगे, बिल्कुल बिजनेस सही प्लान अप्रूव होने के बाद ही उनको फिर फाइनल टच मिलेगा कि फाइनल क्या है. तो पीपल आर रेडी, पीपल आर वेरी मच रेडी फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम पुणे टू इन्वेस्ट. इवन दे आर नॉट क्वालिफाइंग दिस क्लास ऑफ फेडरल स्किल्ड वर्कर एक्सप्रेस एंट्री और PNP, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट द अमाउंट बिकॉज नाउ दे आर एट द एज ऑफ 40. इन 40 एज यू विल बी फाइंडिंग एक्सप्रेस एंट्री इज क्वाइट टफ. या PNP का ड्रॉप भी नहीं आता है, तो 40 प्लस वाले हैं एंड दे आर बिजनेस बैकग्राउंड एंड इवन द चाइल्ड इज गोइंग ऑन अ स्टडी वीजा. तो चाइल्ड विल बी इन्वेस्टिंग $55,000 रादर देन इन्वेस्टिंग अ हैवी अमाउंट ऑन ट्यूशन फीस फॉर द चिल्ड्रन. दे कैन गो ऑन अ बिजनेस वीजा ओवर देयर एंड दैट फीस विल बी अ डोमेस्टिक फीस फॉर द चिल्ड्रन. सो दिस लॉन्ग लॉन्ग टर्म अप्रोच आपका स्टडी. आपका आप ये मान, मेरे को खुशी है कि आप ये मानते हैं कि एक्सप्लोरेटोरी वीज़ा जिसको हम कहते हैं, जो एक एक जनरल एक बिजनेस विजिटर वीज़ा है, बिजनेस पर्पस के लिए विजिटर वीज़ा है, करेक्ट जिसमें आदमी जाके घूम के देख के अपना सर्वे कर सकता है, तो वो वीज़ा दिल्ली से क्या सक्सेस वो अप्रूवल रेट है आपका कि कितने लोगों को मिलता है? अगर उसी अगर वो ही ना मिला तो आगे का तो खेल खत्म हो जाएगा। नहीं मिलेगा. हाँ वो मिलने की उसका तो तो आपकी आपकी क्या वो क्या क्या इफ स्ट्रेटजी है आपकी? दे वांट द स्ट्रॉन्ग यू नेटिव कंट्री इफ यू सॉरी कम विद योर क्वेश्चन अगेन सॉरी. बीच में शायद कट रहा है। मैं आपसे पूछना था कि आपकी, जैसे मान के चले दिल्ली में किसी की दुकान है, कोई किसी का कोई शोरूम है, किसी का छोटी मोटा हाँ जैसे होलसेल का कोई बिजनेस है दिल्ली में, या और उसके उसके पास 2-3 करोड़ है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए, और उसका जिंदगी में कभी किसी कंट्री का वीजा नहीं लगा, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है उसको? आप एक्सप्लोरेटोरी वीजा कैसे अप्लाई कराते हो, कैसे जस्टिफाई कराते हो? सी एस वी हैव टू शो दैट स्ट्रॉन्ग टाइज. उनके पास घर है उनका, उनके पास बिजनेस है उनका, तो ही इज जस्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ 30 डेज ऑफ टाइम एंड ही इज कमिंग बैक टू हिज नेटिव कंट्री. वो अकेले जा रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा बिजनेस, उनका पूरा कारोबार, उनका पूरा जो घर है वो सारा यहाँ पे, वो अपना सर्वा छोड़ के नहीं जा रहे हैं. ही विल नॉट लीव लीव द थिंग्स एंड गो बैक टू गो टू कनाडा एंड ही विल बी सेटिंग इन कनाडा. ही विल कमिंग बैक आफ्टर 30 डेज ऑफ टाइम. ये लिखना पड़ता है इन द थिंग्स एंड देन डिपेंड्स ऑन द केस ऑफिसर. वो केस ऑफिसर वीजा में कैसे वीजा उनको दे गए हैं. हमें ये अप्रोच यही रहती है, स्ट्रॉन्ग टाइज दिखते हैं कि फैमिली है, उनकी फैमिली यहाँ पे है, फैमिली से बॉन्डिंग है. सो ही इज जस्ट गोइंग फॉर अ विजिट ऑफ 7 डेज, 10 डेज, 20 डेज एंड ही इज डेफिनेटली कमिंग बैक टू हिज कंट्री. कोई आपके पास कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसको एक्सप्लोरेटोरी वीजा मिला था इन द पास्ट 1 ईयर, 1 साल के दौरान जिसको वीजा मिला है और आपने दिलवाया उसे, और वो गया कनाडा, और कनाडा में लौट के आने के बाद उसने आपको कोई नई बातें बताई जो उसको पहले से नहीं पता थी? No, no. That's where we are approaching you, sir. No. अच्छा, ठीक है। We have the clients जिनके parents हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका वीजा लग गया, बहुत बहुत आराम से लग गया. जिनके वहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग टाइज थी, जिनका कुछ वहाँ पे मिलने जाना था, घूमने जाना था, उनका वीजा लग गया. बट जस्ट फॉर अ बिजनेस पर्पज में घूमने जाना है, तुरंत आना है, उनको ऐसा कम होता है. हाँ, चलो उसके उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इसके बारे में जो लोग जो और प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट्स जो इस हमारे इंटरव्यू को देख रहे हैं देखेंगे, उस उनके लिए मैं उनके लिए एक संदेश एक पैगाम जरूर देना चाहता हूँ कि अगर आप जी स्पेशली जो दिल्ली और एरिया के जो बिजनेसमैन हैं, अगर उनको एक्सप्लोरेटोरी वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उसमें मैं आपकी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये मैं आपके माध्यम से लोगों को श्योरली बताना चाहता हूँ। तो इसमें हम दो तीन बातें हम थोड़ा सा पहले तय कर लें कि किस किस तरह के क्लाइंट्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। रिप्रेजेंट करूंगा मतलब कि उसकी एप्लीकेशन मैं करके ऑनलाइन अपनी तरफ से डालूंगा, डेट मीन्स उसका यूजर वेब मैं यहाँ से अब ऑफिशियली आई विल बी मेकिंग एप्लीकेशन फॉर हिम। तो मेरे को जो जो एप्लीकेंट्स चाहिए वो चाहिए जिनके पास मिनिमम 5 साल का बिजनेस या मैनेजरियल एक्सपीरियंस है, ओके जिनके जिनके पास एट द लीस्ट मिनिमम 2 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टेबल कैपिटल है। 2 करोड़ मतलब कि $4 लाख की बात कर रहे हैं। अब मेरे को पता है कि कई प्रोविंसेस में 1.5 लाख 2 लाख की भी बात करी, लेकिन मैं इतने नीचे नहीं या जाता।
जब तक आपके पास अगर 2 करोड़ का इन्वेस्टेबल कैपिटल नहीं है, मैं नहीं समझता कि इट्स रीजनेबली कि आप इतना अच्छा बिजनेस कोई सेटअप कर लोगे। तो पहली पहला तो ये है कि आपके पास मिनिमम 5 साल का बिजनेस ओनरशिप या मैनेजरियल एक्सपीरियंस होगा, दूसरा आपके पास मिनिमम 2 करोड़ का इन्वेस्टेबल आपके पास कैपिटल होगा, और तीसरी शर्त ये है कि आपके कनाडा का वीज़ा कभी पुराना कभी रिफ्यूज़ ना हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही आपने कनाडा के 2-3 बार रिफ्यूज़ करा के कभी स्टूडेंट में कभी विजिटर में कभी टूरिस्ट में करा के और फिर मेरे पास आओगे या फिर बोलोगे अब सडनली मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन गया मेरा वीज़ा लगा दो। तो अगर ये 3 चीज़ें हैं तो मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ। और ये मैंने कोशिश इसलिए कहा कि कोई भी लॉयर है कनाडा का, कोई भी ICCRC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है, हम लोग सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को डाल सकते हैं, मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी, देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी कि मेरे से अगर एप्लीकेशन आएगी तो गारंटी, ऐसा नहीं है। वी कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। चौथी एक शर्त और है मेरी, चौथी एक और शर्त है क्लाइंट के लिए कि एक बार विजिट वीजा उसको मिल जाएगा, इट इज अ जनरल रेगुलर विजिटर वीजा, हो सकता है कि 5 साल का मिले, हो सकता है कि 1 साल का मिले, हो सकता है कि 10 साल का मिले, डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड। उसकी शर्त यह है कि वो वापस एक बार इंडिया जरूर आएगा, ऐसा ना हो कि वो लालच करके यहीं रुक जाए और वो कहते हैं मेरे को जाना नहीं, यहीं पर कोई जुगाड़ कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो उसको एक बार वापस जाना पड़ेगा, वापस दिल्ली या इंडिया, और उसके बाद अपनी रेगुलर एप्लीकेशन करेगा और वो जो प्रोसीजर को फॉलो करेगा। तो ये अगर 4 शर्तें अगर क्लाइंट्स में हैं तो आई एम हैप्पीली लुकिंग टू रिप्रेजेंट दैट क्लाइंट एंड देन वी कैन गो फ्रॉम देयर। तो ये तो बात हो गई जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर की। एक बात और आपने कुछ पूछ रहे थे, शायद मैं भूल गया, आपको एक सवाल और था आपका कि कोई और सवाल था इसके अलावा कि हमने बात कर ली इस पर। Other options for the clients who can approach them, or we can go for a study visa also. So can we approach for a study visa at the age of 40? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे मेरे चैनल पे ही कई वीडियोस मैंने डाले हुए हैं जिन लोगों के 40 प्लस के बाद भी वीजे लगे हुए हैं, और ना केवल वीजा उनके लगे हुए हैं बट विद फैमिली, दैट मींस कि उनकी वाइफ और साथ में डिपेंडेंट भी हैं, उनके भी वीजे लगे हुए हैं। तो स्टडी वीजा में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई 40 के बाद आदमी स्टूडेंट नहीं हो सकता। अगर आप कनाडा में कभी आएँ और यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो 50 प्लस और 60 प्लस भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एज का कोई बैरियर नहीं है। दूसरा, आप ये ना समझे कि आपके पास कोई बहुत बड़ा गैप है, 10 साल का गैप हो गया, 15 साल का गैप हो गया, 20 साल का गैप हो गया, जैसे इस केस में तो आपका वीजा नहीं लगेगा। वीजा लगता है आपके जेन्युइननेस और बोनाफाइड को देख के। बोनाफाइड मतलब कि अगर ये अगर वीजा ऑफिसर को ये यकीन हो गया कि आप वाकई ही जेन्युइनली पढ़ाई करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक्सप्रेस एंट्री फाइल लगाई थी पिछले साल, वो कैंसिल हो गई, विड्रॉ हो गई, और उसके बाद सडन और ऑफिसर ने आपको सपना आ गया पढ़ाई करने का, ऐसा नहीं है। अगर आप वाकई एक परफेक्ट सिनेरियो मैं पेंट कर देता हूँ। अगर कोई एग्जीक्यूटिव है नोएडा में, गुड़गांव में, दिल्ली में, कोई काम कर रहा है 10 साल, उसने बीटेक करा, एमबीए करा, उसके बाद 10-15 साल काम कर रहा है, और उसके बाद अगर उसको कोई स्टैग्नेशन हो रही है नौकरी में, अगर कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आपके पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, हाँ आपको अगर कोई एमबीए करनी है, अगर कुछ और कुछ करना है, एमटेक करनी है, एमएस करना है यूनिवर्सिटी का, आई प्रेफर कि आप यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए आएँ, छोटे मोटे कॉलेज में आप यूनिवर्सिटी के लिए मिनिमम 2 साल के कोर्स में आएँ, आपका एडमिशन भी इजी हो जाएगा और आपको वीज़ा भी मिलेगा। वीज़े के लिए जो आपको जो जस्टिफाई करना है कि आपका जेन्युइननेस है कि नहीं है, डैट मीन्स कि अगर आपने वहाँ से एमबीए नहीं कर पाए या कुछ और नहीं कर पाए, या ऐसा कोई कोर्स है आपने करना चाहते हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियर है वो सोलर पैनल या कुछ ऐसा कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ अदर अजीब सी जो रेडिली अवेलेबल नहीं है इंडिया में, तो वो तो बहुत जस्टिफिकेशन है कि मेरे को पढ़ना है। उसके लिए आपका पास जो एक्सपीरियंस है वो भी काम आएगा जस्टिफाई करने के लिए, ये मेरा इंटरेस्ट है। और तीसरी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पैसे की है, क्योंकि
जितने भी ये यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं 2 साल के, आप मान के चलो कि टिपिकली $20,000, 18 से 20,000 तो मिनिमम पर ईयर की उनकी फीस होनी होनी है, प्लस 10,000 आपके चाहिए लिविंग एक्सपेंसेस। अगर आपके बीवी बच्चे भी हैं तो आप टोटल यू आर लुकिंग एट क्लोज टू, आपका बजट बन जाएगा बिटवीन $40,000 and $50,000, मे बी इवन हायर। सो अगर आपके पास सफिशेंटली पैसे हैं तो वीज़ा आपका लग जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा पैगाम मैं आपको ये देना चाहता था, उसके बारे में दोबारा से समराइज कर दें कि जिनके एक्सप्रेस एंट्री नहीं हो रहे हैं और जिनका ऐसा कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपके पास गैप भी है, अगर आपकी एज भी 40 क्रॉस कर चुकी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। स्टूडेंट वीज़ा का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला जो मैं सोचता हूँ वो है कि किसी भी स्टूडेंट को टॉप यूनिवर्सिटी देखनी चाहिए। इंडिया की जो टिपिकल जो मार्केट का मैं कई बार देखता हूँ, तो हम लोग वहाँ से क्या करते हैं कि छोटे से छोटे सस्ते से सस्ते कॉलेज में जाते हैं पहले। जैसे मैं पंजाब और हरियाणा की मैं मार्केट देखता हूँ, तो वहाँ के कंसल्टेंट जहाँ से सबसे जो 1 साल का डिप्लोमा छोटा सा इधर उधर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या ये ना छोटे छोटे वो उसमें कॉलेज में डालते हैं, तो उनका एक तो स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं होता और उनका एक अप्रूवल रेट भी होता है छोटे लेवल के लोगों, मतलब के छोटी जिनके पास एक्सपीरियंस ग्रेड बी ग्रेड राइट। जिस इंसान को ऑलरेडी पढ़ाई का एक जज्बा है, वो उसकी उम्र 40 प्लस है, उसने अच्छी डिग्री करी है, अच्छे काम कर रहा है, तो उसके पास यूनिवर्सिटी जो है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। जैसे मैं 3-4 नाम ले दूं, बाकी मैं नहीं कहता हूं कि यूनिवर्सिटी खराब है, लेकिन मैं टॉप की यूनिवर्सिटी का 3-4 नाम दे दूं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, जो मेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है जो हमारे यहाँ अल्बर्टा में है, ये यूनिवर्सिटीज का आपने देखा होगा ये कभी भी एजेंट को हायर नहीं करते, कभी भी कमीशन नहीं पे करते, ये अपने आप ऊपर जैसे टॉप लेवल जो बैठे थे ऊपर बैठे रहते, वो दे डोंट केयर केयर लाइक हार्वर्ड स्टैनफोर्ड, वो तो कहते हैं कि हमारे पास जो हीरा है अपने आप चल के आएगा, हमें एजेंटों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अगर कोई यूबीसी में जाता है एडमिशन लेता है डायरेक्टली दिल्ली से, आप मान के चलें कि यूबीसी का जो अप्रूवल रेट है और बाकियों का अप्रूवल रेट है उसमें जमीन और आसमान का फर्क हुआ है। तो अगर आपने आपको यूबीसी ने एडमिशन दे दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने एडमिशन दे दिया, कार्ल्टन ने एडमिशन दे दिया, मैकगिल है कि यूनिवर्सिटी है क्यूबेक में उसने एडमिशन दे दिया, आपका वीजा पक्का शर्तिया लगा समझो और आपको वो मिल जाएगा। लेकिन हम लोग की सोच ऐसी होती है कि यार ऐसा नहीं, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर तो वो वहां पर मार्क्स ज्यादा मांगेंगे, इंग्लिश ज्यादा मांगेंगे, पैसा ज्यादा मांगेंगे, तो यार सस्ते में काम चलो, सस्ते नीचे को जाओ, सस्ता जिसको हम हिंदी में कहते हैं सस्ता और टिकाऊ, तो हम सस्ते की तरफ जाते हैं और सस्ते के टिकाऊ के चक्कर वीजा रिफ्यूज आ जाएगा और बाद में वो कंसल्टेंट को गाली देगा कि यार हमारे हम वीजा रिफ्यूज करा दिया। करेक्ट, ये बात है, वेरी इंफॉर्मेटिव। हाँ जी, और बताएं मनीष, और बताएं, कोई अगर सवाल है तो बताएं, और दिल्ली में बाकी आप बताएं कोरोना वायरस के सब ठीक ठाक है, आप आस पास वाला सब कंट्रोल में चल रहा है, बाहर जाके मास्क पहन के जाते हैं? केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर टेकिंग द प्रिकॉशंस, फुली प्रिकॉशन, ऑल वर्किंग फ्रॉम होम, नोबडी इज कमिंग टू ऑफिस राइट नाउ, वर्किंग फ्रॉम होम है, काम ज्यादा है इस समय बिकॉज पीपल आर अप्रोचिंग, लॉट ऑफ इंक्वायरीज आर देयर, मेरे को पाथवे बताइए जब कोरोना खत्म हो 2 महीने बाद, बिकॉज वी डोंट हैव अ डेडलाइन ऑफ कोरोना कब खत्म होगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, बट इमिग्रेशन चल रहा है, तो इट्स बेटर टू वेट रादर देन वेटिंग टू फाइल द एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वी डोंट हैव अ डेडलाइन कि कोरोना कब खत्म होने वाला है, क्या डेडलाइन इस ये नहीं पता हमें, और खत्म होने के बाद भी क्या इकॉनमी रिस्पॉन्स वापस रिफॉर्म वैसा आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी गारंटी नहीं है। इवन आई एम टेकिंग अ डेट ऑफ मार्च 21 इकोनॉमिक जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, आपका क्या वापस वही सब कुछ बिजनेस वैसे ही इसी फ्लो में चलेगा, उसी पेस में चलेगा, नॉट अ गारंटी, नोबडी नोस, सो पीपल वांट टू अप्लाई द थिंग्स, अप्लाई फॉर द वीजास एंड गेट द वीजास, इवन द इनटेक ऑफ इमिग्रेशन इज नाउ इंक्रीजिंग इन कनाडा, दे वांट माइग्रेंट्स ओवर देयर, सो व्हाई नॉट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। मनीष, एक्चुअली बहुत सारे जो आपने सवालों पर अभी जो टच किया उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है और मैं नहीं समझता किसी के पास है। मैं तो पिछले साल मैं दिल्ली में घूम रहा था इन द मंथ ऑफ जुलाई इन अगस्त, तो मैं देखता था कि वहाँ पर के जो इंडिया के जो चैनल्स हैं जैसे स्टार प्लस और सोनी वगैरह है, सुबह सुबह एक जोशी आते हैं वहाँ पर। करेक्ट, सुबह सुबह, नहीं, सवेरे सवेरे जोशी आके ये बताते हैं कि आज आपको क्या करना है, आज मंगलवार है, आज जाके गाय को खिलाना है, आज बृहस्पतिवार है, आज दूध आपको बरगद के नीचे डालना है,
ये सब मैं जब देखता था मैं ये सोचता था कि अगर इन ज्योतिषियों को इतना पता है इतना पता है कि आज दिन कैसे करना है, तो इतने बड़े कोरोना वायरस के बारे में तुम प्रेडिक्शन क्यों नहीं कर पाए भाई? No, everybody feels, yeah. तो there's no remedy for that. There's no remedy. लेकिन लेकिन चलो बात करें इसकी जो कोरोना वायरस का, जहां तक मेरा मेरा जो एस्टिमेट है as far as immigration is concerned, मैं समझता हूं कि ये इसको कम से कम एक साल और लगेगा इसको नॉर्मल होने में. ओके मेरे को अच्छा दूसरी ये सब बातें जुड़ी हुई है आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री से. अगर अगर ये कोरोना वायरस का ये कंट्रोल में नहीं आया तो एयरलाइंस की जो इंडस्ट्री है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं, लोकल नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वो नॉर्मल फ्लाइट्स नहीं होंगी. और अगर वो खुल भी गया तो लोग बैठेंगे नहीं. अभी क्या है कि फर्ज करो आज आज वैंकूवर से दिल्ली की फ्लाइट खुलती है तो हो सकता है कि लोग इतने फ्री होकर उसमें बुकिंग ना कराएं, क्योंकि वो सब पास पर, क्योंकि वहां भी डिस्टेंसिंग तो है नहीं. ऐसा नहीं तो नहीं कि आपको एक आदमी यहाँ बैठेगा एक आदमी वो दो सीट छोड़ के बैठेगा. तो लोग मन में एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम लोग सफर करें. जब तक वो चीज वो फ्रीली ट्रैवल वाली चीज नहीं आएगी तब तक इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं होगी. इसमें एक साल तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लगेगा, मे बी इवन मोर. पहली बात तो ये है. जहां तक इमिग्रेशन का, जहां तक इमिग्रेशन का सवाल है, इमिग्रेशन की जो इंडस्ट्री है, जो जो कनाडा की जो IRCC का जो मैंडेट है कि हमें इमिग्रेंट्स चाहिए ये सब करना है, वो सब जुड़ा हुआ है ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस पे. आज की डेट में कई मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके पास वीजे लगे हुए हैं, उनके पास वर्क परमिट लगे हुए हैं. आई नो सम क्लाइंट्स, मेरे अपने पर्सनल क्लाइंट्स हैं जिनके जिनके वीजे स्टैंप हुए थे मेरे ख्याल फरवरी में या जनवरी के लास्ट वीक में, लेकिन वो इस वजह से नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है एक दो महीने बाद जाएंगे तो फिर ये कोरोना वायरस आ गया. अभी क्या है कि अगर आपके पास वीजे भी लगे हुए हैं बिकॉज ऑफ द बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस आप कनाडा नहीं आ सकते. जब तक ये बॉर्डर नहीं खुलेगा तब तक ये सारा बिजनेस ठप रहेगा, चाहे कोई कुछ भी. I think कनाडा हैज ओपनड द टेंपरेरी वर्क वीजा, खोल दिया है, और विजिटर वीजा भी खोल दिया है. लास्ट वीक उन्होंने दोनों बॉर्डर्स खोल दिए हैं. आई थिंक इन द पियर एट द पियर्सन एयरपोर्ट यू हैव टू क्वारंटाइन फॉर 14 डेज, ऐसा है. वो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा उसमें भी क्लैरिटी देता हूं. ओके, वीजा खोलने का मतलब ये नहीं कि आप ट्रैवल कर सकोगे. वीजा खोलने का मतलब ये है कि आपको वीजा एप्लीकेशन फाइल अप्लाई करनी है तो ऑनलाइन अप्लाई कर लो, बस इतना मतलब है. ओके, यू स्टिल कांट ट्रैवल द बॉर्डर. अरे नहीं यार, राम का नाम लो. ना, वीजा एप्लीकेशन खुलने का मतलब ये है कि वीजा एप्लीकेशन आपको पेपर बेस्ड तो अभी VFS शायद नहीं है आपको. हाँ, अगर बहुत ही ऐसी है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर दो और हम डिसीजन उसको लेंगे. अगर डिपेंडिंग ऑन क्या है उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वीजा, अगर वीजा भी मिल गया तो आप अभी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, उसका मतलब ये है. जहां तक आपने कहा कि वर्क परमिट का, वो कुछ एक्सेप्शन है. हमारे यहाँ पर एक डेफिनेशन चलती है, एसेंशियल पर्पस और नॉन एसेंशियल पर्पस. एसेंशियल पर्पस मतलब, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. कोरोना वायरस के चलते हुए कुछ हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को यहाँ नर्सेज की जरूरत है, कुछ और जो एक जो नर्सिंग स्टाफ जो होम केयर में जो पेशेंट का वो करते हैं उनकी, अगर ऐसे किसी को हॉस्पिटल्स ने किसी को LMIA बेस्ड वर्क परमिट इश्यू किया हुआ है, या इवन फूड पायलट प्रोग्राम में जो खेतों में जो सामान जो फ्रूट्स पिक करते हैं, अगर ऐसे किसी को वर्क परमिट इश्यू हुआ है तो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ एसेंशियल सर्विस. उसको वो केस बाय केस बेसिस उसको वीजा लेकर उसको आने देंगे अंदर. ओके, सो दिस इज नॉट यूनिवर्सल, दिस इज अ केस बाय केस बेसिस. ओके, बिल्कुल. आप ऐसी बात नहीं है, आप अगर ये खुलता भी नहीं, मैं आपको एक चीज और एग्जांपल बता देता हूँ, शायद कुछ लोगों को मालूम ये है कि नहीं है. फर्ज करो कि किसी एप्लीकेंट को इंडिया में कनाडा जाना ही जाना है. लेट अस से जस्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं मैं. लेट अस से कि उसके माता पिता बीमार हैं, और मे बी और सम ऑफ द फैमिली रिलेटिव बीमार हैं, किसी को कुछ है, कोई
कोई जैसे अब right. आज आजकल स्टूडेंटों स्टूडेंट्स की एक ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी यूनिवर्सिटीज का, वो होता है right. ना, जैसे सेरेमनी शायद हो ही ना गई हो. कोई अगर ऐसी कोई कोई भी पर्पस है जो लगता है कि ये पर्पस एसेंशियल है, एसेंशियल को डिफाइन करना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उनको लगता है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है, मेरे को जाना जरूरी ही है, तो उसका भी एक तरीका है. अप्लाई, जब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद इमिग्रेशन को हम वो फाइल भेजते हैं, इमिग्रेशन को फाइल नंबर भेजते हैं, और हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है. अगर वो मान जाते हैं तो वो आपको वीज़ा इशू करने के बाद आपको एक स्पेशल लेटर इशू करते हैं, जो आप एयर इंडिया की जो फ्लाइट चलती हैं आजकल, वंदे भारत वगैरह जो भी फ्लाइट चलती हैं, आप उनको अगर वो लेटर दिखाओगे तो वो आपको वो बोर्डिंग करा देंगे और आप आ जाओगे क्वारंटीन करके, आप कनाडा आ सकते हो. तो कुछ पर्पसेस में ये आपको एंट्री अलाउड है, लेकिन यूनिवर्सली अलाउड नहीं है. तो इसके बारे में many people are giving the wrong information about this ki abhi open ho chuka hai, you can apply now. Just to lure the clients, no, it's wrong. uska yeah. ek aur agar itne tak usko agar clear nahi hua to ek example main aur de deta hu uska, ki is waqt jo Canada aur US ke border pe jo ek restriction hai ki even American citizen, forget about the visa, American citizens bhi cross karke Canada nahi aa sakte, kyunki America mein is waqt corona virus ki bharmar hai, और अगर अगर वो लोग आना शुरू कर दें तो कनाडा का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा. तो इसलिए वो ये बॉर्डर तो खुलेगा नहीं, और ये बॉर्डर मेरे को लगता है कि अगले 6 महीने तक नहीं खुलने वाला, मेरा अंदाज है, कुड बी रॉन्ग. तो इस हिसाब से और है कि वो एसेंशियल नहीं है, मतलब कि कनाडा में आना, कनाडा में एंट्री करना बहुत ही एक प्रिविलेज है, और अगर एसेंशियल है तभी देंगे, अदरवाइज सबको नहीं देंगे. थोड़ा सा बस इस बात से मैं इस बात को खत्म कर दूं, तो बाकी दुनिया चलती रहेगी. डेफिनेटली सर, थिंग्स आर फाइन, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट. उनको राइट पाथ पे दिया जाए, उनको ऑल्टरनेटिव दिया जाए, एंड दे हैव टू टेल देम टू बी सेफ, टू बी एट देयर होम. अभी थोड़ा पेशेंस रखें, चीजें स्लो डाउन है. जब बॉर्डर्स खुलते हैं, देन दे कैन कीप द फाइल रेडी, एंड दे कैन अप्लाई फॉर द वीजा, एंड दे कैन ट्रैवल लेटर. तो वीजा ले लें, वीजा प्रोक्योर कर लें, दे कैन ट्रैवल लेटर राइट नाउ. या दिस इज द ऑप्शन. आपने बहुत सारे सवालों पे हमने टच किए. एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उसका जवाब दे दें और फिर हम इंटरव्यू खत्म करते हैं. कैनेडियन सिटीजन जो कनाडा में बैठा है, उसको भारत आने की बहुत लालसा है, वो भारत कैसे आएगा ये बताएं आप. रेपुटेशन फ्लाइट्स चल रही है ना, बिकॉज दे हैव गिवन द फ्लाइट्स. अभी जो मार्च में लोग आए थे फ्रॉम चंडीगढ़, मेनी पीपल केम फ्रॉम कनाडा, सो दे केम एट दैट टाइम. Canadian citizen want to come. So I think they have some, you have to contact the consulate. Consulate se request karke, on the special request, they have to come na. Aise hi karenge na. Sir ji, iske bare mein hum log ne kai logon se baat cheet bhi kari hai, aur jo official kaam karte hain unse bhi, unko bhi clarity nahi hai. Ki mera khayal hai ki ye jo Vande Bharat flights hain, ye unke liye hai jinke paas Indian passport hai. Ji. हाँ, अगर किसी के पास कैनेडियन पासपोर्ट है, जैसे मेरे पास, मैं जैसे कैनेडियन का मेरे पास पासपोर्ट है, अगर मेरे को भारत आना है तो मेरे लिए भारत आना इस वाल पॉसिबल ही नहीं है. मैं तो आपको बताऊं कि पिछले मेरी फ्लाइट थी 1 फरवरी को, अभी जो चला गया है, और मेरा बड़ा मन था कि दिल्ली आऊँ, मैं लोगों से मिलूँ और सेमिनार में अटेंड करूँ, लेकिन वो इसके चक्कर में खत्म हो गया. तो अब मैं पिछले 4 महीने से मैं तड़प रहा हूँ, जैसे मछली होती है, मैं तड़प रहा हूँ कि भारत भारत जाने का मौका मेरे को कब मिलेगा. और और वंदे भारत जो फ्लाइट है वो कैनेडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, ऐसा मेरे को बताया गया है. इसमें सच्चाई क्या है मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, कि उसमें लिखा नहीं है कि अगर आपके पास अगर इंडिया का पासपोर्ट नहीं है तो आपको अभी अलाउ इजाजत नहीं है, आपकी आप परमिशन नहीं है कि आप इंडिया आ सको. सो इंडियन कॉन्सुलेट इन कनाडा विल बी हेल्पिंग फॉर दिस ना. इंडियन कॉन्सुलेट इन कनाडा वो हेल्प करेगी. कुछ केसेस हैं जो वंदे भारत में कौन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंडियन लोग जो टूरिस्ट वीजा लेके पिछले साल आए, या जनवरी में आए या फरवरी में आए, उनका 6 महीने एक्सपायर हो गया, अब वो कह रहे हैं आप क्या करें, कहां जाए, अब उनको जाना है. एक तो वो लोग हैं. दूसरे लोग हैं जो स्टूडेंट थे, जो वहां से दिल्ली से आए यहाँ पर और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो गई या उन्होंने ड्रॉप ले लिया. अगर वो 3 महीने 6 महीने 3 महीने 4 महीने यहाँ पर बैठे हैं बगैर पढ़ाई के या यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, तो वो कह रहे हैं हम यहाँ क्या करेंगे, हम
जाके इंडिया में जाके पढ़ लें तो वो जा सकते हैं वापस. तो ये right. ये दूसरी दूसरी कैटेगरी है. तीसरी कैटेगरी है जो कोई ऑलरेडी इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, जो जिसके पास स्टडी परमिट है या वर्क परमिट है या कोई और या विजिटर विजिटर परमिट भी है, वो यहाँ पर बैठ, या सुपर वीजा वाले हैं, जो लोग सुपर वीजा में आते हैं जो दो दो साल के लिए आए हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन लेकिन इंडिया में कोई इमरजेंसी हो गई, इंडिया में किसी की डेथ हो गई फैमिली में, लेट्स से कि यू नो फैमिली में डेथ हो गई या फैमिली में कोई और क्राइसिस हो गया, उनको जाना ही जाना है इंडिया, वो वंदे भारत उनके लिए बना हुआ है. Got it. वैसे जो रेगुलर जो कैनेडियन सिटीजन है, क्योंकि कैनेडियन सिटीजन को या तो वीजा लेना पड़ेगा या तो उनके पास OCI होगा, तो वो अभी भारत सरकार ने अभी अलाउ नहीं किया जहां तक मेरे को बताया गया है. बाकी आई मे बी रॉन्ग, अगर कोई हमारी बात सुन रहा है और कोई कैनेडियन सिटीजन गया है वंदे भारत लेके, तो जरूर मेरे को कॉन्टैक्ट करके खुशखबरी दें कि भी जा सकते हैं. और उसका उसका तरीका तरीका ये होता है कि एक्चुअली आपने सही कहा कि काउंसिलेट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट पे, वहाँ पर उनका एक लिंक बने हुए हैं शायद, वहाँ पर आपको अपना नाम देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और वहाँ से होकर फिर आपको एयर इंडिया से टिकट लेनी पड़ती है. और एयर इंडिया की टिकट भी इस वक्त जो है जो रेगुलर से दोगुनी या 3 times चल रही है, मतलब कि पहले जो टिकट, अगर वन वे टिकट अगर वैंकूवर टू दिल्ली अगर जाना था तो शायद 1000 की मिलती थी वन वे टिकट, अभी वही टिकट है 2800 या 3000 की. तो ये हालत. चलो एनीवे देखते हैं कब भारत भारत के भूमि के दर्शन कब होंगे वो उसके संजोग बताएगा, और तब तक तो ठीक है. बेटर टू बी सेफ राइट नाउ बिकॉज़ कोरोना मुक्त पहले हो जाए, कोरोना मुक्त होने के बाद ही यू कैन प्लान द थिंग्स. कल मैंने एक खबर भी पढ़ी. मैं एक्चुअली भारत की न्यूज़ बहुत पढ़ता हूँ और भारत से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और भारत की कल मैंने पढ़ा हुआ विकास दुबे पकड़े गए मेरे ख्याल महाकाल के मंदिर में. इट्स अ सरेंडर बाय हिम, इट वाज सरेंडर्ड बिकॉज़ अगर यूपी में होते तो यूपी में शायद उनका हो जाता एनकाउंटर, तो उनको वहां से लिया गया है वहां पे. ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम उज्जैन टेंपल. कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने ये जान के ये जाल रचा था कि उसको वहीं पर पकड़ना है, या सरेंडर करने का एक तरीका था इसको कि भाई वो, क्योंकि वहाँ तो महाकाल जाते थे, कई बार जाते थे और सबको पता था वो आते थे साल में एक बार, और जब वो गए उन्होंने कई लोगों से पूछा कि प्रसाद कहाँ चढ़ाना है, कहाँ पर्ची कटानी है, तो वो अपने आप को जाहिर करना चाहते थे कि मैं ही हूँ, आके मेरे पे अट्रैक्ट अटेंशन हो रहा था उनका. ऐसा तो नहीं कहीं? टू बी सेफ, कीप सेफ रहे बिकॉज वी कांट हिट समबडी इन पब्लिक, सो टू बी सेफ टू मेक द थिंग सेफ, अदरवाइज इट कुड बी एन एनकाउंटर एनी पॉइंट ऑफ टाइम. जो अच्छी बात वो निकली, जो आपकी जो एक्सप्लोरेटोरी वीजा की बात निकली जिसमें वो करना है, क्योंकि एक्सप्लोरेटोरी वीजा जो टूरिस्ट वीजा बिजनेसमैन को मिल गया तो उसकी फिर आगे की फाइल सारी इजी हो जाएगी, और अगर जो पहले स्टेप का वीजा ही नहीं मिला तो आगे का कुछ होने वाला नहीं है. We have many clients, so I will be approaching with them and we'll be having a conducting a session on them. कि इनको जाना है, इनको जाना ही, इनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो इनको जाना ही कैसे नहीं करके. So we'll be conducting a session with them also. कि इनको कैसे जाना है, कैसे plan करना है. Because जो businessman है, कानपुर की industry है, इनको कानपुर की leather की industry है. The leather industry because of this natural resources में बाकी चीजों में इनको downfall किया गया है ना कई sectors में. Penalties are very much penalties are there. So we have to explore the second option कि अब क्या होगा. Leather industry is going down right now in Kanpur. Kanpur is in Uttar Pradesh. Yeah. बहुत industry होगी. मेरे को बड़ा मन है, जैसे आपने बताया ना कानपुर के industry के बारे में, मेरे को बड़ा मन है जाके वहाँ पर एक कानपुर में सेमिनार लिया जाए, लोगों से बात करी जाए, अगर उनके refusal लगे हैं तो refusal को लेकर अपील करी जाए या चैलेंज किया जाए. तो इस तरह का मेरा बड़ा मन है. Government has stopped the leather factory right now. तो स्टॉप करने के बाद व्हाट विल दे डू बिकॉज़ दे वर डूइंग दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 40-50 इयर्स. अब क्या करेंगे वो, एट द एज ऑफ 40 कोई नया बिजनेस नहीं करना चाहेगा बिकॉज़ उनका तो फोर फादर बिजनेस था वो. तो अब उनको नया बिजनेस करने के लिए सीखना पड़ेगा. जैसे स्लॉटर हाउस बंद हो गया, तो स्लॉटर हाउस बंद हो गया तो नया काम क्या करेंगे उस समय. दे कांट गो फॉर द न्यू बिजनेस इन दिस कोरोना वायरस. नया बिजनेस का क्या शुरू करेंगे उस समय. पीपल आर नॉट गोइंग फॉर लग्जरी. मर्सिडीज का शोरूम अभी आधे घंटे पहले बंद हुआ है. मर्सिडीज का शोरूम इन लखनऊ, ज़ारा का शोरूम बंद हो गए हैं सारे. People are not buying Rolex watches. So luxury is not the things. Now people want the basic things. Luxury is not the thing of, they want to safe life.
सेफ लाइफ कहाँ मिलेगी? कनाडा में मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी और न्यूजीलैंड में मिलेगी, जहाँ पे पेशेंट्स कम है, जहाँ पे जो सपोर्ट है सपोर्ट ज्यादा है, सपोर्ट ज्यादा है, पेशेंट बहुत कम है, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम अ लॉट. इंडिया में पेशेंट्स आर वेरी मच हाई. अगर आप इस तरह के जो कानपुर का जो आपने सेगमेंट बताया, और मैंने अभी पिछले हफ्ते ही पढ़ा था कि जो इत्र इंडस्ट्री है, इत्र जो परफ्यूम लगाते हैं ना, जो क्या कहते हैं उसको, लखनऊ में है, लखनऊ में, लखनऊ में शाहजहांपुर में, नहीं कहां का बता रहे थे, तो वो भी डाउनफॉल हो गया है, वो भी डाउनफॉल हो गया, उसका सब बंद हो गया है सारे. तो इस तरह का एनी लग्जरी इंडस्ट्री सारी अभी लग्जरी में कोई नहीं जाएगा सर, रॉयल्स कारों को नहीं लेगा इस समय. हाँ, सब डाउन हो गया. तो इसके बारे में एक्चुअली आई वुड लव टू डू लाइक अ सेमिनार जस्ट ऑन How to get the exploratory visa? क्योंकि अगर यही visa अगर मिल जाता है उनका, तो आगे की सारे उनके application easy हो जाएंगे. तो इसके बारे में many brands, food chains, many brands are there. Many brands of food chain are there. Food chain industry में क्या होगा? अभी food chain में nobody is going out to have food. जैसे हल्दीराम में, बीकानेर है, सागर रत्ना है. Many big brands are there. So people are just not going to eat outside right now. तो फूड चेन का भी इंडस्ट्री देखनी पड़ेगी. मल्टी जो आपका सिनेमा हॉल्स हैं, सिनेमा हॉल की इंडस्ट्री है, मेनी सेगमेंट्स आर अफेक्टेड बाय दिस. अब वो आने वाले 5-6 महीने बाद वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? स्पेशली द इंडस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, आपका जो ताज मालदीव्स है, ताज फलक मनामा है, ये बड़े बड़े ताज के होटल्स हैं, इनका भी ये है. एयरलाइंस की इंडस्ट्रीज है. सो दीज आर द सेक्टर्स विच आर बैडली अफेक्टेड. इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स काफी बिजी रहेंगे मेरे ख्याल 1 साल तक. अभी अगर कनाडा अमेरिका खुलता है, अगर कोई, आई मीन आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया भी, तो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू टैकल दिस. दे वांट माइग्रेंट्स, दे वांट माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स आर हियर देयर, जस्ट द ओनली प्रॉब्लम इज दे हैव टू डाउन फॉर द कट ऑफ ओवर देयर, एंड इफ दे आर डाउनिंग द कट ऑफ फ्रॉम द 370 lot of people are already in the pipeline who want to migrate. Yeah. Sir, $825 में अगर किसी को कनाडा की PR मिल रही है, I'm sorry to interrupting you, $825 में 800 कनाडा की PR मिल रही है, आपको 1 BHK घर नहीं मिलेगा दिल्ली में. You are getting a $825 visa processing fees and $500 की landing fees है. $825 and $500 में आपको कनाडा की PR मिल रही है. What more can you expect on this? सही बात. सस्ता वीजा कहाँ मिलेगा? इतना सस्ता पूरा वीजा पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा. ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल में. ऑस्ट्रेलिया की $10 times high, बहुत एक्सपेंसिव है. $4-5 तभी जल्दी से जल्दी लोग ऑस्ट्रेलिया में हाथ डालते नहीं है, मतलब कि ऐसा ना हो कि लगे ना लगे, वहां पर खर्चा बहुत है और पता नहीं होगा नहीं होगा. कैनियन वीजा फीस इज वेरी लुक्रेटिव, $825 एंड प्लस $500 इज द ओनली फीस व्हिच यू हैव टू पे ओनली आफ्टर गेटिंग द ITA, नॉट वी हैव टू पे अपफ्रंट. दिस इज अ वेरी ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी, यू हैव टू पे द वीज fees after getting the invite. This is a very best part about it. And plus, जो exploratory visit आप बता रहे हैं, उसमें बंदे जाएं, घूमें, वहाँ पे देख के आएं, business को देखें, return of investment देखें, business को explore करें, business को plan दिखाएं, और plan दिखा के investment ले लें. Either they can buy a business, running business, or they can invest in a business. उसके बाद फिर एप्लीकेशन वो जो जहाँ इन्वेस्ट करना जो करना वो अपने आप करते रहेंगे, उससे तो उनका अपना ईजी हो जाएगा. चलो, थैंक यू मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू. ओके सर, थैंक यू. बाय बाय.